या तो ये पगला गए हैं और या ऊपर से कोई इशारा है, क्योंकि सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, आपने देखा हर हर क्षेत्र में हालत खराब है। 2017 में इतना प्रचंड बहुमत 57 विधायकों का मिला था, इतनी बड़ी बड़ी बातें करी थी, डबल इंजन होगा तो ये होगा, डबल इंजन होगा तो वो होगा, डबल इंजन हुआ तो ना ये हुआ ना वो हुआ। डबल इंजन का जो हश्र है उत्तराखंड की जनता देख रही है, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी जर्जर हैं, कानून व्यवस्था दिन दहाड़े 3:30 बजे प्रेमनगर में डकैती पड़ जा रही है, जो चेन स्नैचिंग हो रही है उसकी रिपोर्ट लॉन्च नहीं हो रही, जिसके कारण आगे आपकी डकैतों को फ्री हाथ, पुलिस का जो भय है, पुलिस का जो डर है, वो लोगों के दिमाग से उतर गया। तो जवाब क्या देवे जनता के बीच में, किस सूरत को किस शक्ल को लेके जाए, तो अब एक ही बात रह गई, एक ही मंत्र सीखा है उन्होंने, महाजनों ये नगता संबंधा, जैसा महान लोग करते हैं उसका अनुसरण नीचे वाले करते हैं। तो दिल्ली वाले जब 5 साल का अपना लेखा जोखा नहीं बता पाए थे तो पुलवामा चिल्ला रहे थे, अब ये लोग अपना कोई लेखा जोखा नहीं बता पा रहे हैं तो अब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मुसलमान ये करता है, मुसलमान वो करता है, मेरी सभा में मुसलमान मत आओ, मेरी सभा, एक बता रहा था कि 52% जो हरिद्वार का क्षेत्र कुंभ नगरी उसको पाकिस्तान बता दिया, इससे बड़ी मतलब मूर्खता की बात कोई हो सकती है, उसने पाकिस्तान ही बता दिया 52% हिस्से को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के। ऐसे मूर्ख लोग, ऐसे पागल लोग केवल नफरत फैलाने का काम करते हैं वोटों के लिए। मैं समझता हूँ कि ये इशारा ऊपर से है, और जब ऊपर से इशारा है तो सुबह जब 5 बजे 5:30 बजे हाफ पैंट पहन करके पीटी होती है तो उसमें मंत्र दिया जाता है कि भैया ये गरियाना शुरू कर दो, गाली देना शुरू कर दो, वरना जनता तुम्हारी ठुकाई करेगी।